मुल्क भर के साथ साथ आज कश्मीर में भी 74वां योम आज़ादी मनाया गया। इस सिलसिले में कुपवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में योम आज़ादी मनाने के लिए तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने झंडा फहराकर परेड पर सलामी ली। इस मौके पर सिविल इंतजामिया, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ स्कूली बच्चों और आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रोग्राम को दिलखरोश बनाने के लिए रंग बिरंग प्रोग्राम भी पेश किए गए। योम आज़ादी के इस मौके पर लोगों की भलाई के लिए काम करने वाले अफसरान, सिविल सोसाइटी, मीडिया और बाकी इदारों से लोगों को इनामात से भी नवाजा गया। सब लोग खड़े हो जाएंगे क्योंकि अपना राष्ट्रीय गाना चल रहा है और कौमी परचम की सलामी हो रही है। ये हम पे फर्ज है। तो आपके निरीक्षण के लिए हाजिर श्रीमान। हमारे जुमा साल किस ऑफिसर आज की तकरीब के मेहमान एक खसूसी परेड का मुआयना करेंगे। उनके साथ तशरीफ फरमा है जिला पुलिस सरबराह। की खास बात यह है कि आज हमारे जिले के प्रोटेक्शन फोर्सेस के जवान, होमगार्ड्स और जो पुलिस का खुसूसी दस्ता है वो यही पैगाम दे रहे हैं कर चले हम खिला जानो तक महफिल में तशरीफ लाए हमारे जिला एक बहुत बड़ा महकमा सी ए पी। तो उन्होंने जिस खुशी के साथ यहाँ दिल इंसान है उनके चेहरे पे मैं कभी मैंने शिकन देखी ही नहीं। मुझे याद आता है उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक। लोग ये समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है, बीमार अगर वैसा भी होगा लेकिन वो एक मुस्कुराहट से उसको। तो अब सबसे बड़ा जो जिनका हमने शुक्रिया अदा करना है वो है मेडिकल एजुकेशन का, जहां हमारी चीफ मेडिकल ऑफिसर साहब की सरबराही में जो टीम काम कर रही है डॉक्टर समीर है, युवा साल विक्रीम है, इसमें हमारे खुद ही टीमकार कहीं उनको संभाल लोग देखते हैं। हमने हर एक की तमन्ना होती है कि मैं भी उसमें उनका कंट्रीब्यूशन भी है। तो मैं निहायत खुशी के साथ यहाँ इसमें अपनी जगह बना के हमारे जिले की लाज रख ली।
साबित कर दिया।